हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल ऑप्टोमेट्री सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड सारी वीडियोस को इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वो है हमारा आई पैच का। बेसिकली आई पैच क्या होता है एंड आई पैच हम आँख की किन किन कंडीशंस में करते हैं। सो आई पैच क्या होता है, सो इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम आई पैच समझ लेते हैं। आई पैच क्या है, हम आँख की मेनली दो कंडीशन में करते हैं, या तो आँख में क्या है कोई स्क्विंट होता है, या फिर आँख क्या है लेज़ी हो जाती है, मींस आलसी आँख होती है। वो किस कंडीशन में होती है? तो स्क्विंट के में क्या होता है, जो हमारा स्क्विंट जो होता है, जिसको हम नॉर्मल भाषा में क्या है भेंगापन बोलते हैं, जब आँख में भेंगापन देखने को मिलता है या आँख में आलसीपन देखने को मिलता है, तो उस कंडीशन में हम आई पैच करते हैं। या फिर छोटे बच्चों में जो कैटरेक्ट के ऑपरेशन होते हैं, देन उस कंडीशन में भी आई पैच करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे भेंगेपन में, मीन्स स्क्विंट की कंडीशन में। मीन्स अगर हमारी राइट आई में स्क्विंट है, तो हम लेफ्ट आई को क्या है पैच करेंगे। पैच, आई पैच का यहाँ पे मीन्स है आँख को एक तरह से ढकना, और इस कंडीशन में हम हमेशा जो नॉर्मल वाली आईज है उसी को ही हम पैच करते हैं। जो हमारी एबनॉर्मल आईज है, मीन्स या उसमें कोई स्क्विंट हुआ है या फिर हमारा वो लेज़ी हुआ है, तो उसको हम क्या है ओपनली छोड़ देते हैं नॉर्मली। और जो हमारा सही आँख है, जो नॉर्मल आँख है, उसको हम पैच करते हैं। तो क्या है, तो पहले जैसे कि मैं स्क्विंट की बात कर रही थी, स्क्विंट की कंडीशन में क्या होता है, हमारी जो मसल्स हैं, हमारी आँख की कोई एक मसल्स पैरालाइज हो जाती है, फिर हमारी आँख का काम करना बंद कर देती है कोई एक मसल्स आँख का, तो वो कंडीशन हमारी स्क्विंट की कहलाती है। चाहे हमें ईजो हो या एक्जो हो, हाइपो हो या हाइपर हो, तो हम क्या करेंगे, सपोज़ करिए मेरी राइट आई में स्क्विंट है, तो मैं क्या करूँगी, लेफ़्ट आई को पैच कर दूँगी। कभी आपने टेस्ट किया हो, जब स्क्विंट करते तो हम जब टॉर्च लाइट लगाते हैं पेशेंट को, तो एक आई से उसको क्लोज कर देते हैं, उसकी नॉर्मल आईज़ को। तो अगर मुझे स्क्विंट है, मतलब मेरी आँख बाहर की साइड जा रही है, तो जब उसकी आईज़ को नॉर्मल आईज़ को पैच करते हैं पेशेंट की, तो जो आँख हमारी बाहर की साइड जा रही है वो नॉर्मल डायरेक्शन में आ जाती है। तो इसलिए भी हम नॉर्मल आईज़ को पैच कर देते हैं, ताकि जो हमारी आईज़ की जो मसल्स पैरालाइज हो गई है और जो बाहर की साइड जाती है, वो ताकि अंदर की तरफ थोड़ा डेविएट हो। दूसरी कंडीशन जो रहती है आई पैचेस की, वो ये रहती है क्या, जब आँख हमारी लेज़ी हो जाती है। लेज़ी आई हमारी किस कंडीशन में होती है, अगर हमारी आँख में चोट लगती है तब भी हमारी आँख लेज़ी हो जाती है, चश्मे की पावर ज़्यादा हाई होती है तब भी हमारी आँख लेज़ी हो जाती है। लेज़ी होने का मीन्स है कि आँख हमारा फंक्शनली वर्क नहीं करती है, तो वो कंडीशन हमारी लेज़ी आई की कहलाती है। तो लेज़ी आई में हम बेसिकली क्या करते हैं, हमारा जो नॉर्मल आईज़ है उसको पैच करते हैं। क्यों करते हैं, कि जब हम नॉर्मल आईज को पैच करेंगे, तो हमारा जो एबनॉर्मल आईज है, मीन्स जो लेज़ी आई, वो थोड़ा थोड़ा फंक्शनली स्टार्ट होगी, फंक्शन वो क्या है थोड़ा थोड़ा वर्क करना शुरू करेगी जब उस पर एक तरह का फोर्स लगेगा। क्योंकि एक नॉर्मल आई है, एक एबनॉर्मल आई है, तो जो पूरा जो फोकस रहता है मोस्टली वो नॉर्मल आईज का ही रहता है। देन जो हमारे एबनॉर्मल आईज है, मीन्स स्क्विंट की या फिर हमारी लेज़ी आई, तो वो प्रॉपर वर्क नहीं करती। तो इसलिए जो सही आई के आँख है, जो नॉर्मल आईज है, हम उसको पैच कर देते हैं। एंड तीसरी कंडीशन कौन सी होती है, बेसिकली जो ज़्यादातर देखा गया है, मीन्स वैसे तो हमारी मेन दो ही कंडीशन है हमारे सिलेबस में, बट तीसरी कंडीशन एक ये भी आती है, जब बच्चे का ऑपरेशन होता है, उसको क्या है ऑपरेशन के बाद भी हम पैच करते हैं। ऑपरेशन के बाद जो हम पैच करते हैं, बेसिकली जो करते हैं कैटरेक्ट के बाद हम जो आँख, जब बच्चे का ऑपरेशन होता है, तो मोस्ट ऑफ उसमें हमें कुछ सावधानी रखनी होती है, कि आँख में उंगली नहीं लगनी चाहिए, आँख में डस्ट नहीं जानी चाहिए, धूल मिट्टी नहीं जानी चाहिए, और हमारी आँख में पानी नहीं जाना चाहिए। तो इस तरह की हमें सावधानी रखनी होती है। बट बच्चा है, बच्चे ये चीज़ नहीं समझते, तो जब बच्चे का ऑपरेशन होता है, तो हम उसको राइट आई जो आई उसकी स्क्विंट की होती है, हम उसको क्या है पैच कर देते हैं। जो आईज उसकी क्या है कैटरेक्ट की होती है, उसको पैच कर देते हैं, जो ऑपरेटेड आईज होती है, ताकि उसमें किसी भी तरह की डस्ट नहीं जाए, बच्चा हाथ नहीं लगाए, पानी की क्या है बूंदे नहीं जाए, आँख में पानी नहीं जाए, डस्ट वगैरह नहीं जाए, तो इसलिए हम उसको पैच कर देते हैं। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो, लाइक्स एंड सब्सक्राइब।